अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है एक और डेटा राउटिंग के साथ। कुछ मंथ्स पहले मैंने ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स मंथ्स पहले मैंने एक डिनर आउटिंग विद फैमिली जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद की और वो व्लॉग मेरा ट्रेंडिंग पे रहा। तो आज हम फिर से जा रहे हैं इर्तिज़ा अबीरा इर्तिज़ा के साथ और अलहमदिल्ला अबीरा भी हमारे साथ है। हम जा रहे हैं आज अलहमदिल्ला दोबारा से एक डिनर पे, तो हमारे साथ कनेक्ट करिएगा। और जिस रेस्टोरेंट पे हम लास्ट टाइम गए थे वो हमारे लिए भी न्यू था, आप लोगों के लिए भी न्यू था, पर इस बार जहाँ हम जा रहे हैं वो रेस्टोरेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे। और अगर नहीं जानते और हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो हमारे व्लॉग को आगे कंटिन्यू कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, देखते हैं, हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिएगा। जाना पहचाना नाम है, उम्मीद करती हूँ जो गए हैं वो पहचानते होंगे वहाँ के एम्बियंस को। फाइनली वी क्लोज टू आवर लोकेशन और बस हम पहुँचने ही वाले हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को और सरप्राइज को रिवील करते हैं। सो फाइनली वी रीच टू द लोकेशन खान साहब। तो आज आप हमारे साथ एक्सप्लोर करेंगे खान साहब, तो हमारे साथ बने रहिएगा और फिर मिलते हैं आप लोगों से खान साहब के अंदर। फाइनली हम हो चुके हैं एंटर पर, ज़रा रुकें, आप लोग कहाँ साथ साथ आ रहे हैं पहले जाके देखिए डायनेमिक शॉट्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। यहाँ बच्चे जो हैं वो हो गए हैं आज़ाद घूमने के लिए और सामने उन्हें फाउंटेन नज़र आ रही है, तो वो फाउंटेन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बच्चे पानी देखें और उससे दूर रहें ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम ले जा रहे थे उन्हें फाउंटेन के पास। आप लोग भी हमारे साथ चलें और फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फाउंटेन के मज़े जो कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये जी एंट्रेंस है खान साहब की और एंट्रेंस आप लोगों को दिख रही है, उसके बाद से यहाँ फाउंटेन है जो कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक जा रही है और दूसरे साइड पे भी, और उसके पीछे ही बैक साइड पे प्ले एरिया है बच्चों के लिए, वहाँ पे भी चलेंगे। और ये है जी ओवरऑल लोकेशन, वहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे चेयर और टेबल्स का सिस्टम है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जी तख्त सिस्टम। तो चले चलते हैं अपनी फैमिली के पास के फैमिली कहाँ है। आ जाए हैं जी हम हाईवे पे खान साहब, और जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग का जो है वो टाइटल भी पढ़ लिया होगा थंबनेल ऑब्वियसली, तो यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के पास। और आज है जी फैमिली डिनर जो कि ईद गुजरी है, तो ईद के बाद दावतें होती हैं, तो आज हम भी इनवाइटेड हैं एक दावत पे। तो मैंने सोचा कि जब दावत पे हम जा ही रहे हैं तो बाकी व्लॉग्स दावत के डले हैं, तो क्यों ना एक आउटिंग डिनर जो हमारा है दावत का वो भी मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है दूर ही किचन खान साहब का, यहाँ भी चल के देखेंगे कि कुकिंग कैसी हो रही है, साथ में बने रहिएगा। यहाँ पे हम अबीरा को ले जा रहे थे कि हमारे साथ साथ आप भी एक्सप्लोर करें लोकेशन को, तो हम जा रहे हैं बाहर जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ट्रक आर्ट हुआ हुआ है यहाँ खान साहब पे। तो यहाँ पे एक वेस्पा भी है और एक या दो तीन वेस्पा कह लें जिन पे ट्रक आर्ट हुआ हुआ है, और चलते हैं अबीरा को बिठाते हैं उसके ऊपर। अबीरा के हाथ नहीं पहुँच रहे वेस्पा के ऊपर, लेकिन उन्होंने चलानी है। यहाँ पर हमने उन्हें बिठा तो दिया है ताकि उनका शौक पूरा हो जाए, और लेकिन ध्यान रख रहे हैं भाई कहीं वो गिर ना जाए। तो ये मेन एंट्रेंस यहाँ से हम एंटर हुए थे, यहीं पर ये जो है वो आर्ट वर्क हुआ हुआ है जिसकी वजह से इसकी लोकेशन पे और इसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं, और बाकी के चार चांद हमारी अबीरा ने लगा दिए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे गेस्ट आते जा रहे थे और गिफ्टिंग जो है वो भी साथ साथ आती जा रही थी, जब दावतों में जाते हैं तो गिफ्ट भी ऑब्वियसली होते हैं। और यहाँ इर्तिज़ा गए थे भाई किचन में और बाबा के साथ देखने के लिए कि किचन कैसा है। इर्तिज़ा को बड़ा शौक है भाई कुकिंग डिपार्टमेंट देखने का, तो बाबा ने दूर से ही उन्हें थोड़ा बहुत दिखाया, और साथ ही साथ खाना भी जो है वो गेस्ट तकरीबन पहुंच चुके थे तो ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया। पर ऑर्डर प्लेस करने के बाद बच्चों की बोरियत स्टार्ट हो जाती है कि भाई डिनर कब होगा, हमें प्ले एरिया लेके चलें, ये करें वो करें। तो बाबा उनको थोड़ी देर किचन में ले गए थे। यहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ भी जो है वो कुकिंग स्टार्ट हुई हुई है और सबके ऑर्डर जो है वो लग रहे हैं। ओ हेयर इज़ दी प्ले एरिया, और हम जा रहे हैं बच्चों को लेके, अबीरू बाबा के साथ साथ हैं
और इर्तिज़ा पहले से ही चले गए, चलें चलते हैं अंदर और देखते हैं प्ले एरिया कैसा है यहाँ का। सो हेयर इज़ द ब्यूटीफुल एंट्रेंस ऑफ प्ले एरिया, सो वी गो इनसाइड एंड चेक आउट। और यहाँ पे एक बड़ा बाउंस भी लगा हुआ है भाई, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी चेंजेस हो गई हैं खान साहब में भी, पहले जो है वो इतना अच्छा जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो प्ले एरिया नहीं था, पर अब जो है वो यहाँ पे है प्ले एरिया और बहुत अच्छा है। जब तक के ऑर्डर आपका नहीं आ जाता आप लोग ईजली जो है यहाँ पर टाइम को अपने स्पेंड कर सकते हैं। अभी लुताटा ईशू टाटा अभी लोग गिर जाएंगी, अबीरू अबीरू टाटा इतेजा। मजा आया आपको? कितना मजा आया? बहुत मजा आया, एंजॉय किया? तो जी खाना आ चुका है यहाँ पे और फैमिली डिनर है, तो लंबा सा जो है वो सेटअप हुआ है खाने का, और फिर करते हैं खाने को ओपन और दिखाते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है। खाने में मेन्यू में है जी मखनी हांडी, ऑल टाइम फेवरेट, और साथ ही साथ कुछ डिशेस मेरी बहुत से दूर हैं तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। ये है जी उंजई कबाब, फ़िश टिक्का और चिकन बिहारी बोटी, और यहाँ नान और पराठे हैं और मटन कढ़ाई मौजूद है। कुछ चीज़ें जो दूर हैं बिहारी बीफ बोटी और फ़िश टिक्का, वो जो है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि सेटअप बहुत बड़ा है। कुछ चीज़ें मेरी बहुत से दूर थी, जो मैं आप लोगों को दिखा सकी वो मैंने आप लोगों को दिखाया। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जाएंगे विज़िट करेंगे, और अगर विज़िट नहीं किया है इस जगह पे तो ज़रूर जाइए। खाना बहुत ही डिलीशियस था और गर्मा गर्म सर्विंग थी, और ये कहूँगी मैं कि एम्बियंस भी बहुत अच्छा था और पुरसकून माहौल था। और हाईवे है वहाँ पर, तो आप लोगों को पता है गर्मी इतनी है तो हवा में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और था। इर्तिज़ा जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि वो भी बहुत खुश थे, तो हमने किया जी बहुत अच्छे से डिनर को इन्जॉय, और हमारी जो गैदरिंग थी दावत की वो बहुत अच्छी रही। और अब हम पहुंच चुके हैं जी ठंडे पे, कोल्ड ड्रिंक पे, तो ठंडे के बाद जो है वो सब ने मीट कोल्ड ड्रिंक ले ली है, तो बच्चों ने कहा कि भाई हमने तो खानी आइसक्रीम, तो हम यहाँ पे जो जा रहे थे बच्चों को जी टर्किश आइसक्रीम के सेटअप की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि टर्किश बॉयज़ जो हैं वो प्ले करते हैं बच्चों के साथ एक गेम, तो यहाँ इर्तिज़ा बीरा दोनों के साथ जो है वो हमने कहा कि ये थोड़ा सा प्ले करें, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ इर्तिज़ा बहुत एक्साइटेड थे और उनके साथ यहाँ हो रहा था गेम। उम्मीद करती हूँ जी लास्ट आउटिंग डिनर के साथ जो आप लोगों ने हमारे व्लॉग पे प्यार दिखाया था वैसा ही प्यार आप लोग इस व्लॉग पे दिखाएंगे, और हमारे व्लॉग का एंड हुआ दावत का मीठे पान के साथ। तो इसी के साथ कर लेते हैं अपने व्लॉग को एंड, हमें दीजिएगा इजाज़त अपनी होस्ट और दोस्त मम्मी विद के दोस्त को। See ya,